नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को झांसी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संकट की स्थिति के बारे में भी अफसरों से जानकारी ली और आ रही शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत तैयार हो रहे ट्रीटमेंट प्लांट का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पानी की कमी को लेकर जो शिकायतें आ रही हैं, उन्हें अफसरों से बात करके दूर कराई जाएंगी। लगभग 6 लाख हेक्टेयर पानी इस बार किसानों को दिया गया है। इस बार शिकायतें नहीं आई हैं। बुंदेलखंड में 3 वर्षों में 10 सिंचाई परियोजनाएं मिली हैं। जल जीवन मिशन राज्य में 1 करोड़ से अधिक घरों को कनेक्शन दे चुके हैं। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। जो हमारे नहरें हैं, मेन नहर, फिर माइनर है, रजवाहे हैं, बम्मा है, जिसके द्वारा किसानों को लाभ मिलता है। पानी का संचालन कैसा है, पानी की सुविधा क्या है, तो पहली बार 5.35 लाख हेक्टेयर सिंचन की क्षमता इस बार ली गई थी। जो मैं पानी दिया हूँ, लगभग 6 लाख हेक्टेयर को पानी इस बार दिए हम लोग। कोई किसानों का किसी प्रकार की शिकायत इस बार नहीं आई। जो आती थी शिकायत, कहीं से नहीं आई, न कोई पत्रकार, न जनप्रतिनिधि, किसी प्रकार का कोई फोन ऑन नहीं किया, तो किसानों को सीधे लाभ मिला। और पिछले 3 वर्षों में 10 सिंचाई परियोजना बुंदेलखंड में पूर्ण हुई है। लगभग 81,000 हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा मिली है। इसी तरह जल जीवन मिशन से भी सभी को राज्य के अंदर 1 करोड़ से ऊपर जल हम लोग पीने के लिए घरों तक नल कनेक्शन दिए हैं। लक्ष्य लिए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी घरों को 2024 तक सभी घरों को हम लोग पानी दे दें। जो पानी कठिनाई थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जो केंद्र में सरकार बनी हमारी, राज्य में 6-7 सालों जो सरकार चल रही है, 9 सालों में आदरणीय मोदी जी का सपना था कि करोड़ों लोगों का जो अपना आवास नहीं था, करोड़ों लोगों का अपना शौचालय नहीं था, करोड़ों लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों का अपना आवास है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, बैंक का कनेक्शन, बैंक का अपना अकाउंट है, बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है। और कोरोना वैश्विक महामारी में 80 करोड़ लोगों का भोजन भी देने का काम हुआ है। और एक कठिनाई थी बुंदेलखंड में, जो किलोमीटर पानी लाने के लिए लोग तरसते थे, जाते थे, महिलाओं का पेट दर्द करता था, घुटना दर्द करता था और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। ऐसी महिलाओं को भी अब सुविधा मिलेगा। घर में शौचालय हो गया, बरसात में शौचालय के लिए परेशानी होती थी, आवास पक्का हो गया, अब उनके घर पर नल पहुँच गया है और टोटी खोलेंगी और पानी निकलेगा, तो जो शेष बचे हैं घर, उन घरों में पहुंचाएंगे। मेरी प्राथमिकता है कि बुंदेलखंड में पहले पानी पहुंचे, इसलिए अभियान हमारा चल रहा है। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पानी पहुंच रहा है, लेकिन कल महिलाओं ने लाइट चौराहे पे